मुझे आश्चर्य है कि रात के इस समय कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ श्रीमान जी, मुझे बताया गया था कि मरियम नामक यीशु की माता इस घर में मिल सकती है। क्या वो स्त्री यहाँ है? मरियम, आपको उससे क्या काम है? आप डरिए नहीं, मैं एक मित्र के रूप में आया हूँ। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, किसी को कोई खतरा नहीं है। मैं यहाँ एक संदेश तथा एक उपहार भी साथ लाया हूँ। क्या संदेश है और क्या चीज है जो आप देना चाहते हैं? एक रात पहले यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसे यहूदी अगुओं और रोमी अधिकारियों द्वारा मृत्यु की सजा मिली थी। उसे पीटा गया था, उस पर थूका गया था तथा रोमी सैनिकों द्वारा उसका ठट्ठा उड़ाया गया था। शिमोन कुरैनी नामक एक व्यक्ति से जबरदस्ती यीशु का क्रूस उठवाया गया था। एक स्थान जो गुलगुता कहलाता है, वहां यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। कुछ रोमी सैनिकों ने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु के सर के ऊपर सैनिकों ने एक तख्ती टांग दी थी। ये नासरत का यीशु है, यहूदियों का राजा। दोपहर से लेकर शाम 3 बजे तक पूरे देश में अंधकार छाया रहा। तब यीशु ने ऊंची आवाज से पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर से पुकारने के पश्चात यीशु ने प्राण त्याग दिया। मुझे बाद में पता चला कि उसी पल मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। धरती कांप गई और चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और अनेक पवित्र लोगों के शरीर जो मर चुके थे वे मृतकों से जीवित हो गए, वे कब्रों से बाहर निकल आए। जब रोमी सैनिक जो यीशु की रखवाली कर रहे थे उन्हें भूकंप का अनुभव हुआ और जो कुछ हुआ उसे देखकर वे बहुत भयभीत हो गए, किंतु उनमें से एक सूबेदार ने कहा, निश्चय ही ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। हम में से कुछ लोग वहां थे और उन्होंने इन बातों को देखा था। ये बातें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपने वर्णन की है, लेकिन इन सब बातों से यह तो पता नहीं चलता है कि आज रात आप क्यों हमारे पास आए हैं। मैं उन सैनिकों में से एक था जो यीशु की रखवाली कर रहे थे। मैंने इन सब घटनाओं को घटते देखा। अब मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं आया हूँ यीशु के कपड़े लौटाने, जिसे मैंने क्रूस के नीचे जीता था। मेरी इच्छा है कि मैं इसे उसकी माता को दूं और उससे ये कहूँ कि जो कुछ मैंने किया है उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। अब मैं जान गया कि ये कपड़े उस व्यक्ति के हैं जो मेरे सामने मरा, जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। कपड़े और आपके दयापूर्ण कार्य के लिए आपको धन्यवाद। हम लोग अभी अभी परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु की आराधना आरंभ करने वाले थे। इस आराधना में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं यीशु के विषय में और अधिक सीखना चाहता हूँ, जो मृतकों में से जी उठा है।